मोहब्बत का शरबत दिल्ली का फेमस रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। ताजगी से भरा ये ड्रिंक आप एक बार बनाकर तो देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। आज हम दिल्ली का फेमस मोहब्बत का शरबत बना रहे हैं। बहुत ही इजी है इसे बनाने। इसे बनाने के लिए मैंने एक स्लाइस इस तरह से राउंड कट कर लिया है वाटरमेलन का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसके पीसेस बना लूंगी। तो इस तरह से छोटे छोटे हमने इसके क्यूब्स बनाने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से कट कर लेती हूँ। इस तरह से होने के बाद इसे हम टर्न कर लेंगे। हमने इसके स्क्वायर पीसेस बनाने हैं। तो ये देखिए, अब बस इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी इसके पास पास में बिल्कुल इसे कट मारते जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, ये छोटे छोटे से स्क्वायर क्यूब्स में तैयार हो जाएंगे। फाइनली हम क्या करेंगे, यहां से भी इसे इस तरह से अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये सारे क्यूब्स जो हैं इस तरह से बन के तैयार हो गए। इसमें से जो बीज है ना, वो सारे मैं अलग कर लूंगी। वाटरमेलन के हमने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने एक बड़ा चम्मच सब्जा जो है उसे पानी में भिगो दिया था। 5 मिनट में ये इस तरह से फूल के तैयार हो जाता है। यहाँ पर एक बाउल में मैं 2 ग्लास दूध का ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं 2 ग्लास का बनाने वाली हूँ शरबत। तो हमने ये पहले से ही उबला हुआ दूध लिया है। आप इसकी जगह पे फुल फैट मिल्क यानी बिना उबाले भी बना सकते हो और उबाल के भी बना सकते हो। इसमें अब मैं 2 बड़े चम्मच पीसी हुई शक्कर की ऐड कर रही हूँ। शक्कर की क्वांटिटी फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। शक्कर को हम पूरी तरह से इसमें डिसॉल्व कर लेते हैं। इसी के साथ आज इसमें हम रूह अफ़ज़ा डालने वाले हैं। आप रूह अफ़ज़ा नहीं है तो कोई भी रोज सिर्फ इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले से ही मेजर करके रखा हुआ है। ये मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं। यहाँ फिर से मैं कहूंगी कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज्यादा कर सकते हो। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं दूध के साथ बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर रूह अफ़ज़ा भी अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें अब हम ऐड कर देते हैं वाटरमेलन जो हमने कट करके रखा था। कुछ मैं इसमें से रख दूंगी गार्निशिंग के लिए और कुछ मैं ऐड कर देती हूँ इससे। फ्रेंड्स, आप मेरा यकीन मानिए, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक है। इसे पी के बिल्कुल तरोताजा हो जाता है इंसान और दिन भर की जो थकान होती है वो भी इससे मिट जाती है। तो यहाँ पर हमारा मोहब्बत का शरबत बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। ग्लास में पहले हम थोड़ी सी आइस डाल देते हैं। आपको जितना ठंडा चाहिए आप उस हिसाब से इसे बना सकते हो। वैसे तो गर्मियों में फ्रेंड्स ठंडी चीज बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे वाटरमेलन के साथ ही ग्लास में पूरी तरह से पोर कर देंगे। इसी तरह से मैं दूसरे ग्लास में भी इसे डाल देती हूँ। दोनों ग्लासेस में हमने डाल दिया है अपने शरबत को और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे सब्जा। सब्जे को भी हम मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। फ्रेंड्स, आप अगर इसमें क्रश करके आइस डालते हो ना तो इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़िया आता है। तो दोस्तों, हाँ, यहाँ पर हमारा रिफ्रेशिंग प्यार मोहब्बत का शरबत जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसे पीने का मजा तो गर्मियों में इतना आता है कि एक ग्लास से तो दिल ही नहीं भरता। तो इस गर्मी आप भी इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक को घर पे बनाइए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, और इसका मजा उठाइए।